हेलो एंड नमस्कार गाइस, वेलकम वेलकम। आप देख रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस कोर्स टेलीग्राम एंड यूट्यूब चैनल की मदद से आइडिया फोर्ज चार्ट फुल एनालिसिस अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी, होल्ड करें या बेच दे इस लेवल से। क्या और बड़ी गिरावट आ सकती है? पॉसिबिलिटी है। टारगेट, गिरावट आया यदि इस लेवल के नीचे गया अब तो 700 तक गिरेगा। जी हाँ, वीडियो को ध्यान से देखना रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि बातें टेक्निकल की होगी, किसी प्रकार की न्यूज की नहीं करूंगा मैं। और यदि रिबाउंड कर गया तो बाउंस बैक भी कर सकता है, तो वो इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के लिए। रिक्वेस्ट करता हूँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। यदि सीखना चाहते हो ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर स्टॉक कैश सिलेक्शन, राइट सिलेक्शन। ओके, आगे बात करते हैं आइडिया फोर्ज। आइडिया फोर्ज के चार्ट में 1 वीकली चार्ट स्ट्रक्चर पे इस वक्त मैं हूँ और आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 1 वीक का चार्ट। यह देख सकते हैं कि हमने चार्ट के ऊपर ऑलरेडी मार्किंग लेवल्स करके रखे। आप लोगों को मैं वापस से बताता हूँ, शुरुआत से बताता हूँ, क्योंकि मेरी स्टडी थी और वापस से ये स्टडी मैंने कैसे की पूरी आप लोगों को जानकारी देते हैं हम लोगों। रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना। और यदि आपके पास आइडिया फोर्ज के शेयर हैं, यदि किसी और कंपनी पर भी कोई सवाल है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर करना। ओके, देखो सबसे पहली गाइस, जिस प्राइस पर ये स्टॉक लिस्ट हुआ था, वो जिस प्राइस पे ये स्टॉक लिस्ट हुआ था वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। उसका हाई और लो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट वीक का। ध्यान से देखिए, यदि आप लोगों के पास छोटा सा नॉलेज होता, यदि इतना सा छोटा सा नॉलेज होता कि आपके पास फर्स्ट डे की कैंडल या फिर फर्स्ट वीक की कैंडल को भी आप यदि मार्किंग करके छोड़ देते ना, तो आप लोगों को पता चल जाता कि फर्स्ट डे से ही ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है। और ये ट्रेंड ऑफ डायरेक्शन वहां से ब्रेक हुआ जो कि हायर लेवल ब्रेक हुआ। और हायर लेवल ब्रेक कहाँ हुए आप लोगों के सामने, दो हायर लेवल में बता देता हूँ, हाई एंड लो मार्क करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये वाला एक लेवल था जो कि रिजेक्शन का लेवल बनते जा रहा था 2-3 दिनों से, और एक ये बॉटम ऑफ द लेवल था जो कि ये वाला लेवल बन चुका है। इस लेवल के बाद मतलब 11116 के बाद ये स्टॉक में एक बड़ा फॉल देखने को मिला है आप लोगों का। यदि आप इस कंपनी के शेयर धारक हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। रिक्वेस्ट करता हूँ गाइस, यदि सीखना चाहते हैं स्टॉक कैश, हाउ टू सिलेक्ट राइट स्टॉक्स, गलतियां कैसे करें, या फिर इसमें अब प्रॉफिट कैसे बनाए आइडिया फोर्ज में भी, या फिर नुकसान करने से कैसे बचाए, तो ये सारी चीजें आप लोगों को बताएंगे। तो कंडीशन यहाँ पर यह है कि ये रेजिस्टेंस लेवल बन चुके हैं फाइनली, मतलब 1319 एंड 1116 का एक रेजिस्टेंस बन चुका है। और निचले स्तरों पर बहुत दिनों से एक बड़ी गिरावट दिखा रहा है। तकरीबन ये जुलाई महीने से लेकर तकरीबन अगस्त महीने है हो चुका है, और एक कंसोलिडेशन में मूवमेंट बना रहा है। फाइनली एक मूवमेंट बनाता हुआ दिखाई दे रहा है लास्ट 3-4 हफ्तों से। 3-4 हफ्ते हो चुके तकरीबन। हाँ देखो, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, और ये 5 वीक हो चुके हैं अब जो चल रहे हैं। अब 5वें वीक की एक बॉटम और एक हायर को फिर से हम मार्क करेंगे। इससे हमको दो चीजें मिलेगी, या तो अपर लेवल मिलेगा ब्रेकआउट पर, या फिर डाउन लेवल मिलेगा जो डाउन साइड गिर सकता है। तो यहाँ पर अपर लेवल यदि हम इसके बारे में बात करें, तो अपर लेवल पर देखो एक रेजिस्टेंस है 1116 का, जो कि आप लोगों को ज्यादा ऊपर जाने नहीं देगा, इतनी जल्दी तो नहीं जाने देगा। एंड यदि लेवल्स ब्रेक होते हैं आप लोगों के पास स्टॉक कैश में, यदि आप लोगों ने सही टाइमिंग पे एवरेजिंग भी करी है, तो मैं आपको एवरेजिंग करने की फिलहाल कोई सलाह नहीं दूंगा जब तक कि 1670 का एक लेवल ब्रेक ना हो जाए। यदि आप खरीदारी करना चाहते हैं, फ्रेश खरीदारी करना भी चाहते हैं, तो 1070 रुपीज के प्राइस पर आपको खरीदारी करनी है, फ्रेश एवरेजिंग कर सकते हैं। सेकेंडरी कंडीशन, यदि आप ऑलरेडी शेयर धारक है, बोल रहे हैं कि राकेश जी अभी हम नहीं करना चाहते, या फिर आपको मैं अलर्ट घोषित करता हूं। मैं अलर्ट इसके लिए कि या तो फिर ब्रेकआउट होगा या तो ब्रेकडाउन होने वाला, बहुत जल्दी होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके के चार्ट कैंडल से यहाँ पर मुझे नेगेटिव ब्रेकआउट पैटर्न ज्यादा दिखाई देता है कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पर, जो कि प्राइस को रिजेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। आप ध्यान से देखेंगे ना, सारी की सारी विक्स में एक प्राइस रिजेक्शन है जो कि 1050, 1040, 1028, फिर भी यदि इस लेवल को यदि ब्रेक करके आगे निकलता तो 1070 के अबव ही खरीदारी करती हुई नजर आएगी, और पहला टारगेट तकरीबन 1116 का आता हुआ नजर आ सकता है बाइंग साइड के लिए। अब सेलिंग साइड के लिए भी बातें करेंगे इसके लिए, मगर यदि यहाँ पर हम रिट्रेसमेंट के हिसाब से बात करें और मेजरमेंट के हिसाब से बात करें, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि परसेंटेज ऑफ द नंबर तकरीबन 1070 तक के टारगेट यहाँ पर बनते हैं, 1170 तक के टारगेट बनते हैं यहाँ पर। और इसके ऊपर निकलता है तो हम जाके चेक करेंगे कि क्या सस्टेन करता है स्टॉक, और यदि इस लेवल के करीब करीब सस्टेन करता है तो वापस से अपने ऊपरी स्तरों पर वापस से आने की कोशिश करता हुआ नजर आ जाएगा। मतलब इस तरीके से ये चार्ट चलता हुआ नजर आ सकता है। अब बात करते हैं यदि लोअर लेवल ब्रेक हो गया, और ये ब्रेकिंग न्यूज है और ये इंपॉर्टेंट लेवल है,
इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है? यदि लेवल ये स्टॉप लॉस हो गया आप लोगों का, जिन लोगों ने अभी हल खरीदारी करके रखी है और उन लोगों के लिए फाइनल स्टॉप लॉस ये है कि 958 लेवल रुपीज है यहाँ पर बॉटम ऑफ द लेवल। ध्यान से देखिए सभी लोग कि बॉटम ऑफ द लेवल यदि बॉटम ब्रेक करता है और सस्टेन करता है ये, तब गिरावट होगी। और कितनी गिरावट होगी मैं बता देता हूँ, मेगा गिरावट हो सकती है, क्योंकि स्टॉक का जो प्राइस है ऑल टाइम हाई है जो तकरीबन 1300 रुपीज का, राइट। और 1300 रुपीज का स्टॉक यदि इस प्राइस पे भी वेरिएशन, यानी बायर्स नहीं समझ रहे हैं कि मुझे इस स्टॉक को और सस्ता मिलना चाहिए, तो मेरे ख्याल से बड़ी गिरावट आ सकती है। और ये बड़ी गिरावट अभी भी देखने को मिल सकती है, जो कि लोअर द लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है, जो कि टारगेट नंबर वन बनाता है हमारे लिए तकरीबन 840 रुपीज का लेवल, तकरीबन पहला टारगेट बन सकता है डाउन साइड का। एंड सेकेंड टारगेट के बारे में बात करते हैं, सेकेंडली टारगेट हम लोगों को नीचे के और बड़ी गिरावट के टारगेट बनते हैं, जो कि इस तरीके से मैं आपको मार्किंग करके बता देता हूँ। तो आप लोगों का अलर्ट रहना, रिक्वेस्ट करता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। और नीचे का जो फाइनल टारगेट होगा वो तकरीबन 750 का लेवल होगा। इस लेवल के करीब करीब जब वो नेक्स्ट बेस बनाएगा, बॉटम में सपोर्ट लेगा, तभी हम खरीदारी की राह दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। फ्रेश खरीदारी करनी है और जल्दीबाजी है तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी खरीदने की सलाह होगी, बाकी ज्यादा क्वांटिटी खरीदने की सलाह नहीं दूंगा। मगर यदि यही प्रोडक्ट 50% प्राइस में मिलेगा तो इसके बाद समझदारी है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस 50% रिट्रेस हो चुका है। अब वहां पर आएगा बायर, हो सकता है कि यहाँ पर गिरावट देखने को मिले। रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और यदि कोई सवाल हो, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, खराब लगा, बुरा लगा, जो भी लगा, मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर करना। एंड यदि स्टॉक कैश से पैसा कमाना चाहते हैं रियलिटी में, तो आप हमारे स्टॉक्स को जाके देख सकते हैं। बहुत छोटे छोटे पैनी स्टॉक्स है, ऐसा नहीं कि पैनी स्टॉक्स है, सारे के सारे बढ़िया स्टॉक्स है। एंड ये एक सबसे बढ़िया जीता जागता उदाहरण है कि मात्र 4-5 दिनों में RVNL ब्रेकआउट हम लोगों ने सर्च करा, एंड ब्रेकआउट सर्च करा था तकरीबन 125 रुपीज पर, और तकरीबन नंबर ऑफ डेज में तकरीबन 9 डेज बार में देख सकते हैं 30% का रिटर्न दिया। आलोक इंडस्ट्री आप देख सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री की सब्सिडरी है, एंड 15 रुपए का शेयर तकरीबन यहाँ पर 22 रुपए होता है, और तकरीबन 40% का रिटर्न देता है। एंड अगेन एक स्टॉक जो कि ये DCX इंडिया, जो कि आर्मरी के अंदर काम करती है, डिफेंस में काम करती है, और लेटेस्ट लिस्टिंग ये देखो गाइस, इसके साथ भी वही हुआ था। पहले स्टॉक टॉप पे था, फिर बॉटम में लेके गए, 300 रुपए के स्टॉक को 150 रुपीज किया गया, और वहां से पूरा करेक्शन लेकर अब डबल हो चुका है 150 का। तो आइडिया फोर्स के पास भी यही हो सकता है। रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो, इंपॉर्टेंट देख लो, यही सेम चीज आप लोगों को आइडिया फोर्ज में भी देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा नुकसान होगा, मगर भविष्य में बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा मुझे लगता है ऐसा। सवाल जवाब के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यदि सीखना चाहते हैं, एल्गोरिदम लेना चाहते हैं, सिस्टम पर सीखना चाहते हैं कि हाउ टू सिलेक्ट राइट स्टॉक्स, ऑप्शन ट्रेडिंग, इंटरनेशनल मार्केट, जैकपॉट एंड पेनी स्टॉक्स, देख सकते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग की मदद से मात्र 20 रुपए का ऑप्शन, ऑप्शन ट्रेडिंग एल्गोरिदम है ये, 20-24 रुपए का ऑप्शन, और वहां से हम लोगों के लिए प्रॉफिट मेकिंग मशीन बन जाता है। 150 रुपीज और 160 रुपीज का हाई लगाता है प्रॉफिट मेकिंग मशीन। एल्गो 5G सिग्नल्स लेना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट अस, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम पर भी हमारा अकाउंट अवेलेबल है। थैंक यू।